those who go to the demigods, especially like the Lord Shiva. Shivji ke jitne bhi bhakt hain wo kaun hue? Asur hue. Tamasik khel chal raha hai. Shivji ki mahima hai. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका ट्रुथ हिंद पर। साथियों, कुछ लोग हमेशा प्रयास करते हैं प्रभु शिव को नीचा दिखाने का, उनको छोटा बताने का। उन्हीं लोगों में से एक प्रसिद्ध यूट्यूबर अमोघ लीला भी हैं। वो कई बार इस तरह से देखे जा सकते हैं प्रभु शिव पर। इनके विचार हमेशा से ही सनातनी संतों के विपरीत रहा है। हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं इस पर, आप जाकर देख सकते हैं। फिर से वह ऐसा करते हुए देखे जा रहे हैं। शिव जी पर इनके विचार सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। पहले आप इनके विचार को सुन लीजिए, फिर आपको हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा का विचार सुनाते हैं। ये कह रहे हैं कि शिव ईश्वर नहीं है, तो क्या शिव ईश्वर है या नहीं है, इस पर चर्चा करने से पहले आइए इनका वीडियो देख लेते हैं। पूजा कर रहे हैं लोग, शिव जी इनकी पूजा कर रहे हैं, राम जी की, राम जी इनकी पूजा करते हैं, सब आपस में एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि इस तरह से आपस में पूजा करें तो आपस में अब हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, बढ़िया हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। राम जी जो है शिव जी की पूजा इसलिए कर रहे हैं, ये संदेश देने के लिए कि मैं भी भक्तों की हेल्प, उनका आशीर्वाद देता हूं भगवान। लेकिन फिर भी भगवान भगवान है, भक्त भक्त है। उस प्रकार से शिव जी इनकी आराधना कर रहे हैं, ये शिव जी की आराधना कर रहे हैं। भले ही दूसरी की आराधना करें, पूजा अर्चन करें, लेकिन फिर भी भगवान भगवान है, भक्त भक्त है। यह होगा आप लोगों ने, कोई प्रभु शिव को डेमी गॉड कह रहा है तो कोई शिव भक्तों को तामसिक बता रहा है। इन अज्ञानी मूर्खों को क्या ही समझाया जाए। इनके कहने का तात्पर्य है कि शिव ईश्वर नहीं है। डेमी गॉड का अर्थ होता है अर्ध ईश्वर। कैसे कैसे अज्ञानी आ गए हैं, अब ब्रह्म भी अर्ध और पूर्ण होने लगे हैं। मतलब क्या ही समझाया जाए इन लोगों को। सत्य को प्रतिशत में ये लोग बांट दे रहे हैं कि कृष्ण भगवान इतने प्रतिशत हैं ईश्वर हैं, या राम या शिव इतने प्रतिशत भगवान हैं। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य स्पष्ट है, इन अज्ञानियों के बहकावे में ना आए, अन्यथा इनका तो विनाश निश्चित ही है, ये आपके भी पतन का कारण बनेंगे। आइए हम लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर जी का विचार सुन लेते हैं, उन्होंने इस विषय पर क्या कहा है, फिर हम आगे हमारे अन्य संत जो हमारे सनातनी परंपरा के संत रहे हैं। रामस्य हृदयम् शिवः, शिवस्य हृदयम् रामः। राम जी का जो हृदय है उसमें भूत भावन भोले बाबा विराजमान रहते हैं, और शिव जी का जो हृदय है उसमें राम जी विराजमान रहते हैं, और दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। राम जी से पूछो का कौन बड़ा, तो राम जी बोले शंकर जी, और शंकर जी से पूछो कौन बड़ा, तो बोले राम जी। अब आप देखना कितनी विचित्र महिमा, यही तो संसार में, इसी को तो कहते हैं सामंजस्य। जिसके जीवन में सामंजस्य होता है वो पास होता है। राम जी लंका जा रहे हैं तो किसकी स्थापना कर रहे हैं, रामेश्वरम में किसकी स्थापना कर रहे हैं, शिव जी की, शंकर जी की, हाँ जी या ना जी, यस नो यस। राम जी भोले बाबा की स्थापना कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें राम जी के, शंकर जी के समान कोई दूसरा प्रिय नहीं है। लो क्या बात है, अद्भुत बात है ये तो। लेकिन शंकर जी भी पूजा कर रहे हैं, किसकी, राम। दोनों ही क्लिप आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। साथियों, मैंने पहले ही स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर हम प्रभु शिव और राम में भेद रखेंगे तभी यह प्रश्न उठता है कि शिव बड़े या राम, जबकि ऐसा भेद रखना नहीं चाहिए, है ही नहीं, तो रखने का कोई तात्पर्य नहीं बनता। जिनको न ही शास्त्रों का सही ज्ञान है और जिनके न ही अनुभव में कुछ है, ऐसे लोग ही यह प्रश्न निरंतर करते रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसा कि रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम जी को शिव जी के समान कोई प्रिय ही नहीं है। राम जी ऐसा कहते हैं कि शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है, और राम जी का दास शिवद्रोही हो ही नहीं सकता, और शिवद्रोही राम जी को सपने में भी प्रिय नहीं लगता, वह हमेशा से ही अप्रिय रहता है। पर इन अज्ञानियों को क्या ही समझाया जाए, यह प्रश्न हमारे जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी से भी किया गया था, तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया कि एक ही परमात्मा सृष्टि के आरंभ में खुद को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कर्म का निर्वाह करने के लिए वही परमात्मा स्वयं को ब्रह्म रूप में, और
ब्रह्म रूप में खुद को अनव्यक्त करता है और पालन नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वही परमात्मा स्वयं को नारायण या भगवान विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए परमात्मा स्वयं को शिव रूप में प्रकट करते हैं। इसी प्रकार वह स्वयं को शक्ति रूप में और गणेश रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। तो भेद नहीं किया जा सकता मित्रों, ब्रह्म एक है और शिव एक हैं, राम एक हैं, शिव राम राधा कृष्ण, किसी में भेद नहीं किया जा सकता। यह भेद करना मूर्खतापूर्ण कार्य हो जाता है। हमारे संतों ने कभी भी यह भेद नहीं किया है। आप किसी को इष्ट बनाकर उनका पूजा पाठ करिए, ठीक है, लेकिन और रूपों का आप सम्मान करिए, अपमान नहीं कर सकते। आप कोई छोटा बड़ा इस तरीके से, मैंने आपको बता दिया, अज्ञानता में ही प्रश्न आता है, तो इस तरह का प्रश्न नहीं करना चाहिए। हमारे संतों ने कभी भी इस तरह का प्रश्न नहीं किया। उन्होंने हमेशा से समझाया है कि ब्रह्म में एक है। तो हमेशा से ही हमारा यही प्रयास रहा है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। हर हर महादेव, जय विधि, हरि हर।